हर दुकान से ना लौंजी मिलेगी, तुहानू खट्टी मिठी मिठी लौंजी हुंदी है, इहनां दी बेस्ट चीज़ है खट्टी लौंजी है बिल्कुल। और मैंने पता नहीं किन्नी देर हो गई खाते हैं, मेरे दादा जी ने मैंने स्वाद पाया थी, वो मैंने लेके आते होंगे छोटे होंगे सानू खिलाते होंगे सी। अच्छा उदों तो असीं खा रहे हैं, बचपन तों पूड़ियां खा रहे हैं। गुरु जी की नगरी, प्यार की नगरी और स्वाद की नगरी, अमृतसर की गलियों और बाजारों से स्वागत है आपका एक बार दोबारा से। इस समय मैं निकला हुआ हूँ, गगनदीप पाजी मेरे साथ हैं, बड़े भाई हैं, और इनकी रिकमेंडेशंस पर मैं पाजी कहाँ पर लेकर जा रहे हैं आप? वड्या नु सत्कार और सारे नु बहुत बहुत प्यार। आज संडे का दिन है जी, संडे के दिन अमृतसरी जड़े ने ना वो घर नहीं बैठते, नाश्ता घर नहीं हुंदा, नाश्ता जड़ा वो बाजार का हुंदा, या कुलचा खाते हैं या पूड़ी खाते हैं। सो अज तुहानू लैके आ रहे हैं, 1911 की दुकान है देसराज हलवाई, 111 साल हो गए हैं, और इन्हां दी पूड़ी बड़ी मेरी तो बड़ी फेवरेट पूड़ी है। मैं जो भी पूड़ी खाने का दिल करे मैं इस दुकान पर आना, फिर मैं दीपक जी ने कहा इन्हां दी दुकान जरा दिखाइए लोगों को, आओ जी आज तुहानू नाश्ता करवाइए। क्या बात है, तो आज हम आपको अमृतसर का टिपिकली जो नाश्ता है दो पुरानी दुकानों पर लेकर जाएंगे, चलिए चलते हैं। क्या बात है जी, देसराज सुरेंद्र कुमार हलवाई, चलिए आओ जी। क्या बात है जी, जनाब यहाँ पर प्लेट रख रही है जी, की हाल है भाजी? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, और बड़ी तारीफें सुनी है जी आपकी दुकान की, आपकी पूड़ियों की। तो सर आप खाइए आज फिर बताइए। और कितनी पुरानी है, कितने साल हो गए जी? ये 1911 से। 1911 से, 100 साल से ऊपर हो गया जी। जी जी, फिफ्थ जनरेशन में हूँ मैं। पाँचवीं जनरेशन है आपकी, और क्या क्या फेमस क्या क्या आ जाता है? सुबह ब्रेकफास्ट में पूरी चना, बाद में फिर दोपहर में हम लोग स्नैक्स का भी करते हैं, समोसा कचौरी गुलाब जामुन जी, बाकी स्वीट्स तो चलती हैं वो तो सुबह शाम दोनों में जी। आज मैं देख रहा हूँ संडे में तो अमृतसरी घर में तो नाश्ता करते नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुलचे और ये सारा कुछ ही चलता है। और पूड़ी के साथ क्या क्या मिलता है जी? ये पूड़ी के साथ आपको ये गाजर गोभी का अचार है जी, ये सिरके वाला प्याज, ये आलू की लौंजी, चने की सब्जी, अरे और साथ में ये आलू। लौंजी जो है अमृतसरियों की ये फेवरेट है जी। हाँ ये हमारी तो कह रहे हो कि मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि सब लोग बनाते हैं मीठी, हम बनाते हैं इमली वाली खट्टी लौंजी। अच्छा जी, और संडे को स्पेशल गुड़ का हलवा। ये संडे की संडे बनेगा? सर्दियों में डेली बनता है। हाँ आजकल संडे की। और ये देखिए जनाब एकदम से फूली है पूड़ी। और पूड़ी में क्या क्या भाई साहब पड़ता है जी, कैसे बनती है? आटा मैदा और दाल की पिट्ठी। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। पूड़ियाँ खादी जा रही हैं? खा रहे पहले खाई दी है, सात आठ उधर तीन की खाई दी है। बहुत वधिया टेस्ट है जी, पिछले असं 20-25 साल तो खा रहे हैं और यहोजा टेस्ट सारे अमृतसर सानू कितों नहीं मिलता जी। जनाब भाजी भुख लगी जी बहुत ज़्यादा, देख देख के पूड़ियां लगाइए जनाब। लो सर ये आ गई जी आलू की खट्टी लौंजी, ये आ गया जी गाजर और गोभी का अचार राई वाला, ये आ गया जी प्याज, ये आगे जी आपके चने, ये आगे सर आलू की सब्जी। तो जनाब हमारी जो पूड़ी की प्लेट है वो आ चुकी है, हालांकि अंदर बैठने की जगह है लेकिन आज संडे है, संडे मतलब हाउसफुल हाउस पैक, तो इट इज़ बेटर कि हम बाहर आकर, क्योंकि सनलाइट रहती है बढ़िया रहता है। और इधर आइए सबसे पहले चेक कीजिए, सबसे पहले तो पूड़ी का साइज चेक कीजिए और पूड़ी का टेक्सचर चेक कीजिए, एकदम से गोल्ड ब्राउन। हालांकि 4-5 मिनट हो चुके हैं वीडियो के चक्कर में लेकिन अभी भी गगन पाजी देखिए क्रंच और क्रिस्प चेक कीजिए पूरी, और इसके साथ छोले दिए जाते हैं, आलू की लौंजी है, आलू की सब्जी है इसमें मिक्स करके दी जाती है, ये आलू की लौंजी है, ये सब्जी है, सीजनल अचार रहता है, और
बींगे से पंजाबी अमृतसरी पूड़ी के साथ हलवा, हलवा और गुड़ का इस मौसम में ऑसम। और पंजाबी च कहावत है भाजी, कड़ा गुड़ दा बिन भागो नहीं जुड़दा, जुड़दा। तो चलिए शुरू कीजिए भाजी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बेस्ट चीज़ है ना जी, देखो हर दुकान से ना लौंजी मिलेगी, तो खट्टी मिठी मिठी लौंजी होती है इन्हों की, बेस्ट चीज़ है खट्टी लौंजी है बिल्कुल। और मैं पता नहीं कितनी देर होगी खाते हैं, मेरे दादा जी ने मैंने वह स्वाद पाया थी, वो मैंने लेके आते होंगे छोटे होंगे सानू खिलाते होंगे, उदों तो असं खा रहे हैं बचपन से पूड़ियाँ खा रहे हैं। तो यादें जुड़ी हुई हैं दुकान के साथ। 1911 बहुत बड़ा मतलब कह सकता हूँ मैं साहब। अरे वाह, ये चेक कीजिए क्या बात है, दम से क्रंच है जी इसमें। और अंदर जो इसकी फीलिंग रहती है, जो पीठी है दाल से तैयार की जाती है वो इसमें डाली जाती है, जिसमें इसमें क्रंच और क्रिस्प आ जाता है। यार छोले, आलू की लौंजी, सब्जी और ये बाइट तैयार है। क्या कहेंगे जी दीपक, पहली बाइट लेते ही अमेजिंग है। 111 साल पुराना टेस्ट है, आज भी वही टेस्ट है, जो दा मैं खा रहा मैं वही टेस्ट हर सवारी वही सेम टेस्ट जी। पूड़ी इतनी शानदार है ना, ये जो बीच में उसके क्रंच क्रिस्प आ रहा है बहुत बहुत शानदार है, और छोले साथ में लौंजी और ये लगा के क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका, अमेजिंग। और ये आगे जी लौंजी, लौंजी जैसे गगनदीप भाजी ने बताया कि अमृतसर में आपको खट्टी मीठी मिलेगी, लेकिन यहाँ से एकदम से डिफरेंट है। इसमें सौंफ है, बाकी मसाले हैं, स्वाद बहुत सही है, बहुत सही है। और ये आगे जी छोले, जनाब 1911 मतलब कि 100 साल से भी पुरानी ये दुकान है। और जो स्वाद पाजी ने बताया, बहुत लोगों ने बताया कि मैं 40 साल से खा रहा हूँ, 50 साल से खा रहा हूँ, और स्वाद में 1921 भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ कि ये ब्लेसिंग्स है गुरु की नगरी की, गुरु जी की, कि अमृतसर में के बाज़ारों और गलियों में इतने बेहतरीन जो जायके हैं ये छिपे हुए हैं। मज़ा आ गया, अमेजिंग। और ये आ गया जी हमारा गुड़ का हलवा, लीजिए भाजी आप भी लीजिए। अब आप बताइए कैसा है जी ये। माउथ मुंह में जाके ना मेल्ट हो रहे हैं, घुल गया सारे फ्लेवर्स पूरे घुल गए हैं मुंह में, एंड क्या बात, मज़ा आ गया। मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक रखता हूँ, और अगर आप पूड़ी खा रहे हैं तो आई विल मस्ट से इसको खाना मत भूलिएगा अगर अवेलेबल हुआ तो। तो जनाब अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े भाई सर्वजीत पाजी ने, और ये बहुत साल पहले इन्होंने रिकमेंडेशन दे रखी थी। और सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल, पूड़ियाँ खाती जा रही है, इन्जॉय हो रहा फुल। भाजी बताए स्वाद के बारे में, दुकान के बारे में। सर स्वाद तो अल्टीमेट है शुरू तो ही, पर जी क्वालिटी असं खाने पे ना ये सब तो वही गल है कि हूँ तक 40 ईयर्स टू 50 ईयर्स हो गए दुकान, ये अज भी मेनटेनड है, टेस्ट अज तक कोई फर्क नहीं है जी। मेरी चौथी पीढ़ी ही है, साड़ी चौथी फैमिली की पीढ़ी है जी इतने खाँदी भी है। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, उस तो बाद मैं हूँ अगर मेरी बेटिया फुल इंजॉय करते हैं, इतने ही करते हैं। साडा संडे जो है वो इतने ब्रेकफास्ट है। क्या बात है, आप बता रहे थे बचपन में आप आते थे और 20 मुड़ियां कर दो। सर हूँ तो चलो महंगाई है, पर इसलिए जी साड़ी पहले पूड़ी होंगी सी ना, जो मेरे फादर साहब मैंने लैन भेजते थे 2.5 रुपए की एक पूड़ी होंगी, दसा दी चार 20 पूड़ियाँ 25 पूड़ियाँ, फैमिली वड्डी है चलो उस तरह चलती है, अज भी वही कंडीशन है। हूँ अगे बेटियां हैं, चलो वे हूँ नहीं साढ़े चे हूँ अगे बेटियां, पर अज भी वही चीज़ है, साढ़ा 1,00,000 रुपया खा गया। नहीं भाई देख रहे देखो इतना मज़ा आ गया, वर्ड्स नहीं है इतना बेहतरीन इसका स्वाद है। 30 रुपए की एक पूड़ी है, 60 रुपए में 2 मिल रही है, 3 सब्जी मिल रही है, देसी घी की पूड़ी इस रेट में इस बजट में नो मैच, और टेस्ट क्वालिटी ऑप्टिमम। तो आइएगा यहाँ पर, खैर हमारा टूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद पाजी ने बोला है कि लस्सी पीने भी चलते हैं,
और संडे लस्सी तो पीनी पड़ती है। चलिए चलते हैं इसको खत्म करते हैं। तो भाजी मज़ा आ गया पूरी का। और कितने आए आप? फोन असं आए हैं लस्सी पीने वास्ते। लस्सी पीने? लस्सी पीनी और लस्सी पीनी है या लस्सी? क्या बात। तो आ जाओ जनाब, पंजाबियों के ब्रेकफास्ट का मतलब है कुलचा खा ली या पूड़ी खा ली, लेकिन इनकम्प्लीट है अगर लस्सी नहीं। लस्सी के बिना इनकम्प्लीट है। लस्सी पी के इसी और कम्प्लीट करना, कम्प्लीट मील होएगी। चलिए जी, जी। कितना दी लगी जी लस्सी? बहुत टेस्टी है जी। अच्छा कप वाली तो शबैर पीन आए। हाँ वीडियो देखी जी इन्हों की। अच्छा ए जी लस्सी पहली बार पीती है जिंदगी। मजेदार बहुत वाइया जी, बहुत टॉप लस्सी। क्या बात है जी। मैं तो पटियाले तो स्पेशल लस्सी पीनी आया इतने जी। दो दिन बुक रहा है, बाकी इतने होर भी जो है समान। अमृतसर खान भी नहीं आया सिर्फ, और कोई काम नहीं है। सर सतिकाल भाजी। सतिकाल ज्ञानी जी लस्सी वाले। हाँ जी अमृतसर की बल्ले बल्ले कराई है। हाँ जी वाहगुरु की कृपा जी। भाजी प्याओ लस्सी पेड़े वाली। पेड़े वाली, पेड़े वाली। क्या बात। और मैं आपको बता दूं, ये उन जायकों में, उन स्वाद में आता है कि अगर आप अमृतसर में आए हैं, अगर आपने लस्सी नहीं पी है तो कहते हैं कि अमृतसर की खानों फूड की आपका टूर है इनकम्प्लीट। ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। और ये देखिए हमारी जो पेड़े वाली लस्सी, इनकी बड़ी स्पेशल रहती है। इसमें पेड़ा, हाँ जी पेड़ा पैन, पेड़े को हैंड ग्राइंड करके इसका बटर निकालते हैं जी, तो उसके बाद इसका टेक्सचर आता है पेड़े का लस्सी। और ये भांडा कादा जी? एक कैना भांडा कॉपर। अच्छा कॉपर का। ये जो थे, ये साढ़े कह लो कि बुजुर्गों का आशीर्वाद है। क्या बात है जी। ये आगे तो बटर है, ये पेड़े का बटर है और नीचे पेड़े का टेक्सचर है। और लड़की जा रही भाजी? उन लस्सी असली बन रही है जी, दही पाया, चीनी पाई है, हूँ इन चीनी मिक्स करांगे इस। तो बड़ा अच्छा लगता है जी जब आपको आपकी फैमिली के मेंबर मिलते हैं। आप सभी फैमिली के मेंबर ही हैं जो अभी भी मेरे को देख रहे हैं। अभी पाजी मिले हैं, कहाँ से आए हैं पाजी? रायपुर छत्तीसगढ़। सभी लोग आप वहाँ से? अच्छा लस्सी कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, थैंक यू। बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था यहाँ आने को एंड इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी टेस्टी, बहुत अच्छी है। पेट भर गया, आधा ग्लास ही खत्म हुआ है अभी, बट बहुत टेस्टी है, इट्स अमेजिंग। हाँ हम गोल्डन टेम्पल कल ही हो गए थे, बट स्पेशली किसी ने रिकमेंड किया कि यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। एक ही आ गया जी, दूध। दूध वाइल्ड मिल्क। जनाब इसमें पेड़ा जा चुका है, इसमें दही जा चुका है, इसमें मलाई जा चुकी है, अभी दूध इसमें डाला गया है। और 15 मिनट हो चुके हैं जी इस लस्सी को बनते हुए, फाइनली आई थिंक अभी बन गई। बन गई भाजी? हाँ जी रेडी है। और जनाब अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अब दोबारा से उसमें जो मलाई है वो डाली जा रही है। और आज मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद शाम तक आप कुछ खा सकेंगे। ये जा रहा है जी पेड़े का बटर, ये तैयार किया गया था ऊपर से। थैंक यू जी। जनाब हमारी लस्सी आ चुकी है, पेड़े वाली लस्सी। भाजी मखर। और इधर आइए, सबसे पहले चेक कीजिए। हालांकि हमने बहुत कुछ खा पी लिया, इसलिए पूरी ग्लास नहीं है मेरे लिए। और पाजी ने शादी में भी जाना है और मैं लगता ब्याह सुखा ही भुगताना। और ये चेक कीजिए आप, ये देखो जी, ये देख रहे हो, ये पेड़ा जो है उससे जो बटर है वो तैयार किया जाता है, मलाई डाली जाती है दोबारा से, और 20 मिनट लगते हैं इसको बनने में। कम से कम इतनी हैवी मिनट। हाँ इतनी बहुत हेल्दी है कि आप कुछ खा नहीं सकते। यही आर्ट है कि पेड़े नू किस तरह पहला उसका बटर निकालना, फिर उसकी लस्सी बनानी, तो दिस इज द आर्ट। और उन्होंने भी टाइम लगता है, और जी चीज़ में टाइम लगता है वो चीज़ इस तरह ही बन के आती है, बेस्ट चीज़ बन के आती। क्या बात। चलो भाजी शुरू करें। नहीं आ रहा अपना, असी अजे हाफ हाफ ग्लास लेता है, पर जे असी फुल ले लेंगे ना तो रात तक नहीं खादा जाना। नहीं खाए। मैनू देखो जी, मेरी 41 की एज होगी, 41 ईयर की एज होगी, मैं फर्स्ट टाइम पेड़े वाली लस्सी अज पी रहा हूँ।
बहुत ज़्यादा फ्रेश है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है, और जो भी टूरिस्ट अमृतसर में आता है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बिना इनकी लस्सी भी यहाँ से नहीं जाता है। और आपको भी मैं यही बोलूँगा कि आपने कुलचा खा लिया है, पूड़ी छोले खा लिए हैं, लेकिन ज्ञानी जी की लस्सी भी है बिना, अमृतसर से मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा फ्रेश है, हैवी है, लेकिन मज़ेदार है। तो मज़ा आ गया जी आज के टूर का। आज रविवार था, संडे था, फुल इंजॉय हमने किया। थैंक यू सो मच गगन पाजी का, थैंक यू सो मच सरबजीत पाजी का कि इन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाला। और इन दोनों के साथ ऐसे ही टूर हम करते रहेंगे अंदरून गलियों में। और आपको कैसी लगी आज की वीडियो, अपनी जरूर दीजिएगा फीडबैक। मिलूंगा एक नई कहानी में नई लोगों के साथ। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई नमन है। लव यू ऑल।